एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। मैं हूं एडम, प्रिंस ऑफ एटर्नी और कासल ग्रेस्कल के सीक्रेट्स का डिफेंडर, और ये है क्रिंजर, मेरा बहादुर दोस्त। कमाल के कुछ राज मैंने उस दिन जाने जब मैंने अपनी जादुई तलवार को निकाला और कहा, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल, बन गया एक शानदार बैटल कैट और मैं बन गया ही-मैन, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। इस राज को सिर्फ तीन और लोग जानते हैं, मेरे दोस्त सॉर्सरस, मैन एट आर्म्स और ऑर्को। हम मिलकर कासल ग्रेस्कल की हिफाजत करते हैं उन शैतानी ताकतों से जो है स्केलेटोर की। द व्हील ऑफ इन्फिनिटी, कासल ग्रेस्कल की तबाही के लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत पावरफुल है स्केलेटोर, और क्या इसमें ग्रेस्कल को तबाह करने जितनी ताकत है? जब व्हील बिल्कुल सही जगह पर होगी तब कासल ग्रेस्कल का नामो निशान भी नहीं रहेगा और मैं पूरे इटर्निया पर राज करूंगा। लेकिन ही-मैन का क्या? जहां हम जा रहे हैं वहां हमें ही-मैन भी नहीं रोक सकता। और वो जगह है कहां? हम समय में पीछे जा रहे हैं, उस जमाने में जब कासल ग्रेस्कल था ही नहीं। पिकनिक के लिए कमाल का दिन है, और मैजिक के लिए भी, लेकिन क्या करें? यही तो चाहिए था, टेस्टी प्राइस जिसका डबल हो जाएगा साइज। वैसे ये बड़े काम की ट्रिक है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? शायद जादू ज्यादा चल गया, छोटा कर देता हूँ। और को जोर, वो हमें कासल ग्रेस्कल बुला रही है, हमें चलना चाहिए। मैं तो बस घर जाना चाहता हूँ। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, हम पर खतरा मंडरा रहा है। विंडो ऑफ टाइम में झांककर उस खतरे को देखो। स्केलेटोर, वो शैतान एक फोर्ट्रेस बना रहा है, लेकिन कहाँ पर? यहीं पर, इसी जमीन पर जिस पर कासल ग्रेस्कल खड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहती हो? ऐसा नहीं है स्केलेटोर, एक टाइम कॉरिडोर को खोलकर इटर्निया के पास्ट में पहुंच चुका है। पास्ट में जाकर एक फोर्ट्रेस बनाने से उसे क्या मिलेगा? वो फोर्ट्रेस व्हील ऑफ इन्फिनिटी को बचाता है। अगर स्केलेटोर ने उस व्हील को घुमा दिया
तो वो तेजी से घूमती जाएगी और उसका आकार भी बढ़ता जाएगा और फिर वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो इस कासल को बर्बाद कर देगा और स्केलेटर अपनी बुरी ताकत से एटर्निया पर राज करेगा। तुम्हें पास्ट में जाकर स्केलेटर को रोकना ही होगा। तो चलना चाहिए बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल। मैं जानता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। एटर्निया के पास्ट की लैंग्वेज शायद तुम्हें अजीब लग सकती है लेकिन ऑर्को को पता है कि क्या करना है। क्या सचमुच? मेरे मतलब हाँ बिल्कुल मुझे पता है, उम्मीद तो यही है। वक्त बहुत कम है हीमान, अपना काम जल्दी पूरा करो। एवरग्रीन फॉरेस्ट पुराने जमाने में ऐसा दिखता था। हाँ और शायद इटर्निया के लोग कुछ ऐसे दिखते थे। संदा काता काता शियारो। आराम से बैटल कैट, हमें दोस्ती करनी है। ऑर्को, सॉर्सरस ने कहा था कि तुम इनकी भाषा समझ सकते हो। हाँ हाँ लेकिन वो स्पेल मुझे याद नहीं आ रहा, ट्राई करता हूँ। चैनकुली की मैनकुली, चैनकुली नहीं, का ताना शारा कोता। जल्दी ऑर्को, वो इस तरफ आ रहे हैं। चैनकुली की मैनकुली की चैन मैन चैन चैन मैन मैन। एक मिनट, याद आ गया। आबरा का डाबरा, अब इस मैजिक की वजह से हम इनकी भाषा समझ पाएंगे। शारा तोन्मा, उसका चेहरा गोस्ट जैसा था। क्या बात है, क्या बात है, मैंने कर दिखाया। ही मैन, उसने कहा गोस्ट फेस्ड, यानी हो सकता है वो स्केलेटर हो। हम दोस्त हैं, आपकी मदद करने के लिए आए हैं, आपको हम पर भरोसा करना होगा। ड्रैगोसॉर, मेरा ब्लास्टर काम नहीं कर रहा है, बच के रहना ही मैन। हम लकी हैं कि यहाँ तेज हवा बह रही है। लक नहीं मैंने डाम्स, ये मेरा मैजिक था। पता नहीं क्यों मेरा मैजिक यहाँ ज्यादा असरदार है, वैसे ये पहले भी बुरा नहीं था। इसे रोकना होगा। अभी तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। मैं तुम्हें अभी निकालता हूं दोस्तों। ऊपर आ जाओ। TeamNetworkIndia.co.in। वो गड्ढा खाली है। पीछे हटो बैटल कैट। अब इस खेल कूद को बंद करो, आओ पकड़ कर दिखाओ। चलो अब थोड़ी देर से तुम आराम कर लो। तुमने साबित कर दिया कि तुम स्नेक क्लैन के दोस्त हो ही मैन, वो लोग क्या मदद करें तुम्हारी। स्केलेटर के बारे में तुम जो भी जानती हो मुझे बताओ, जिसे तुम कहती हो गोस्ट फेस। वो कुछ समय पहले हमारे इलाके में आया और अपनी शैतानी ताकत से उसने एक क्लैन के मास्टर ओलो को अपना बंदी बना लिया। एक मैन कभी हमारे दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब वो हमारा शिकार करते हैं, हमारे लोगों को बंदी बनाकर उस गोस्ट फेस के फोर्ट्रेस में उनसे गुलामी करवाते हैं।
क्या तुम हमें फोर्ट्रेस तक ले जा सकती हो? मैं तुम्हारा खात्मा नहीं चाहती। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारे पास उसके लिए एक सरप्राइज भी है। ऐसा तुम सोचते हो ही-मैन? ओलो, अपने सारे सिपाहियों को इकट्ठा करो, हमारे पास भी ही-मैन के लिए एक सरप्राइज है। जो हुक्म स्केलेटर। यहाँ तो सन्नाटा है, तो चलो थोड़ा सा शोर मचाएं। हार मान लो स्केलेटर, वरना तुम्हारे इस फोर्ट्रेस की मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। कोशिश तो करो, कोशिश। उन पर हमला करते हैं। इटर्निया के लिए और ग्रेस्कल के लिए। रोको उन्हें। क्या तुम मुझे ही याद कर रहे थे स्केलेटर? एपमैन, पकड़ो इसे। लड़ने के लिए कम से कम दो चार को तो और भेज देते। इस बहाने तुम नहा तो लोगे। और अब तुम्हारी बारी है गोस्टफेस। इतनी भी जल्दी किस बात की है? तुम्हें कुछ देर के लिए बेहोश तो कर दूं। ही-मैन, उसने ज़िलोरा को पकड़ लिया। स्केलेटर, रुक जाओ। बड़ी देर कर दी तुमने। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो कासल ग्रेस्कल को बचाओ या फिर अपनी इस नई दोस्त को बचा लो। क्यों? लो हम आ गए ड्रैगोसॉर आइलैंड। बढ़िया। जब वो ज़िलोरा को बचाने में अपना वक्त बर्बाद करेगा, उसी वक्त वो पलाएगा जिसका मुझे इंतजार था। इस बार जीत मेरी होगी। लेकिन वो यहाँ आ गया तो हम आखिर क्या करेंगे? जंगल के सारे खतरे उसे रोकेंगे, और अगर वो भी नाकाम रहे तो हम किस लिए बैठे हैं? फिक्र मत करो ऑर्को। जाती तो वो मुझे खा ही जाता। ध्यान रखना होगा, मुझे यकीन है कि इस जगह स्केलेटर ने और भी जाल बिछा रखे होंगे। अब स्केलेटर
स्केलेटर समझ जाएगा कि उसे हमसे उलझना नहीं चाहिए। तो ही-मैन और उसके दोस्त बच गए हैं। वेलकम ही-मैन। चलो उन्हें मजा चखाते हैं। अब इनसे निपटना होगा ही-मैन। उन बड़े लिजर्ड्स को कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। मेरी ब्यूटीज, तुम सबको पछताना पड़ेगा। शायद तुम्हारे ड्रैगन को भूख लगी है, फैंग मैन। रुक जाओ स्केलेटर। तुमने बड़ी देर कर दी। इस स्पेल में वो हमेशा के लिए टाइम और स्पेस के बीच फंस जाएगी। मदद करो ही-मैन। मैं आ रहा हूँ। पीछे रहो, इस पिंजरे पर स्केलेटर ने जादू किया हुआ है। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ही-मैन। बहुत अच्छे, लेकिन अभी भी हम स्केलेटर को नहीं पकड़ पाए। सुनो ही-मैन, विंडो ऑफ टाइम बहुत जल्द तुम्हें वापस बुला लेगा। स्केलेटर को रोकने के लिए तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। सॉर्सरर्स, हमारी मदद करोगी? मुझसे जो होगा वो मैं करूंगी। नहीं हो सकता। एस्केलेटर, हे, जाओ उन्हें पकड़ो। तुम जरा उन्हें संभालो, मैं स्केलेटर को देखता हूं। मेरे ब्लास्टर्स दोबारा काम करने लगे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। स्केलेटर, ही-मैन, अब तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। ऐसा तुम्हें लगता है स्कल फेस? ताकत क्या होती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कोशिश करके देख लो स्केलेटर। तो ये लो, ये देखो। आखिरकार मैं जीत गया। व्हील अब घूमने लगी है। मैं इसे रोक नहीं पा रहा। उसे कोई नहीं रोक सकता। ये हमेशा घूमती रहेगी और वक्त के साथ साथ बड़ी होकर और तेज घूमेगी और कुछ साल बाद ये धमाके से फट जाएगी, जिससे कासल ग्रेस्कल हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। मैं शायद इसे रोक ना पाऊँ, लेकिन इसकी स्पीड जरूर बढ़ा सकता हूँ। नहीं, रुक जाओ। टाइम व्हील को घुमा दिया है, अब ये फट जाएगी। तुमने ग्रेस्कल को जरूर बचा लिया, लेकिन खुद को बर्बाद कर लिया। इससे बचने का सिर्फ यही एक तरीका है। यही तो स्केलेटर ग्रेस्कल के साथ करना चाहता था। मगर अपनी प्लानिंग में वो ही-मैन को भूल गया। स्वागत है ही-मैन, तुम सबने कमाल कर दिया। ज़िलोरा को क्या हुआ? मुझे वो अच्छी लगी। मैं बस इतना कहूंगी
कि तुम सभी की वजह से स्नेक क्लान और एप क्लान दोबारा दोस्त बनकर रहेंगे और वो मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे जिसे आज हम कहते हैं इटर्निया। कासल ग्रेस्कल तुम्हारा शुक्रगुजार है हीमैन। और अब मुझे ये देखना है कि स्केलेटोर का टाइम कॉरिडोर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। फिर मिलेंगे। देखा, इसे कहते हैं असली मैजिक। हमने अभी अभी देखा कि स्केलेटोर ने पास्ट में जाकर बुराई करने की कोशिश की। असलियत में कोई भी पास्ट में नहीं जा सकता है, ये नामुमकिन है। लेकिन पास्ट से हम कुछ चीजें जरूर सीख सकते हैं, उन बातों से जो हो चुकी हैं, उनसे सीखकर हम आज एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। याद रहे कि अहमियत आज की होती है, तो उसे अपना सबसे अच्छा दिन बनाइए। हम फिर मिलेंगे और मैं ही मैन आपको विश करता हूँ गुड हेल्थ एंड गुड लक।